आज था संडे और आज सब कुछ छोड़कर हम गए अपने गार्डन की ओर। हमने वहाँ देखा कि काफ़ी ज़्यादा गंदगी हो चुकी है और जैसा आप लोग जानते हैं कि डेंगू काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है, तो अपने आसपास में सफाई रखना ये आपका सबसे पहला काम होना चाहिए, क्योंकि अभी डेंगू आएगा, फीवर आपको होगा, तो वो चीज़ें आपके साथ में ना हो, तो आप अपने आसपास, अपने घर के आसपास सफाई रखें। तो ये ही आज मैंने किया। वहाँ पर जितनी भी गंदगी थी और जितने भी पेड़ इधर उधर फैल रखे थे, मैंने उनको ठीक किया। देखिए, बीमारी का जो कारण होता है वो सबसे पहले आपके मेंटल लेवल के ऊपर होता है, उसके बाद वो आपकी फिजिकल बॉडी के ऊपर दिखाई देता है। तो ज़रूरी है कि आप भी हफ्ते में एक बार अपने लिए समय निकालें और अपने माइंड को थोड़ा सा रिलैक्स दें। इससे चीज़ें क्या होती है ना कि आपका दिमाग जब शांत रहता है तो आपके हार्मोन्स भी ठीक रहते हैं, और वो ठीक रहेंगे तो आपको बीमारियाँ कम होगी, आपको दवाइयाँ कम खानी पड़ेगी, और आप प्रकृति के साथ में जुड़ेंगे तो प्रकृति भी आपके साथ में जुड़ेगी और आप अपने आप को ज़्यादा हेल्दी फील करेंगे। तो ये चीज़ें आप भी कर सकते हैं, आप अपने आप को समय ज़रूर दें। और उसके बाद में फिर दूसरी बात ये है कि आप जब अपने शरीर का पसीना नहीं निकालते तो बीमारियाँ वहीं से स्टार्ट होती है। आप अगर हफ्ते में एक बार अपने लिए निकालेंगे और थोड़ा सा वर्कआउट करेंगे, चाहे वो रनिंग हो, वॉकिंग हो, या आपके गार्डन की साफ़ सफाई हो, तो वो पसीना बाहर निकलेगा, तो उसके साथ में टॉक्सिन्स आपके बाहर निकलेंगे। इसलिए ज़रूरी है वर्कआउट करना। और ये सारा कचरा आज मैंने वहाँ से निकाल डाला, और निकालने के बाद में आप मेरे हाथ की हालत देख सकते हो, और फाइनली हमने अपना गार्डन भी साफ़ कर लिया और अपना पसीना भी बाहर निकाल लिया। तो ये था आज का हमारा संडे का रूटीन। और आपका संडे का रूटीन क्या रहता है, आप मुझे कमेंट करके सब लोग ज़रूर बताएं।